हम दलित सेना की तरफ से और लोगों के सामने गुलबर्ग की जो आवाम के सामने हम आए हैं अभी, जो लैंड ग्रैबिंग जो दिन दहाड़े गुलबर्गा में जो स्पेशली ट्रेंड जो एक ग्रुप जो काम कर रहे हैं गरीबों को लैंड हड़पना, उनको उनके ऊपर झूठे कंप्लेंट करवा के जेल डालना और 420 फोर्जर में केस करवा के उनको हैरेसमेंट करना, और जो गरीब जो बहुत सालों से कमा के जो छोटा मोटा घर बना के रखते हैं वो घर बुलडोजर ला के तोड़ना, ये तो टोटली इलीगल एक्टिविटी जो वाइट कॉलर क्रिमिनल्स के तरफ से गुलबर्गा में हो रहा है। ये तो हमने बहुत करीब से हम देख रहे हैं अभी। ये गुलबर्गा की ये अपना हीरापुर के बगल का जो सर्वे नंबर मादरसन हल्ली सर्वे नंबर 16/4 में जो 9 acres 33 घुंटा जो ज़मीन है वो एक मोहम्मद एमके रहीमुद्दीन बोल के उनके एक ज़मीन वो सर्वे नंबर वो एमके रहीमुद्दीन वो 1991 एंड 1992 में वो एक लेआउट बनवा के वो सब गरीबों को 1000 में 2000 में जितना आता हो सेल 171 प्लाट सेल करके वो तो दुबई में रहता था आउट ऑफ कंट्री में रहता था, और वही एम के रहीमुद्दीन वही अग्रीमेंट जो करके दिया, वही अग्रीमेंट बना के दिया, वही रहीमुद्दीन जो लास्ट मंथ 11th November में उनके बेटे के नाम से अदनान रहीमुद्दीन, उनके बेटे के नाम है अदनान रहीमुद्दीन, वो उन जीपीए पावर ऑफ ऑर्डर जनरल पावर ऑफ ऑर्डर ने उनके नाम से लिख कर वो फिर दुबई भाग जाता हूँ, दुबई जाता नहीं दुबई भाग जाता हूँ। फिर वो अदनान रहीमुद्दीन उनके एक दोस्त गुलबर्ग के मशहूर लैंड ग्रैबर जो डेंटिस्ट है हमारे दोस्त है वो डेंटिस्ट मिर्जा इस्माइल मिर्जा उस्मान बेग, डॉक्टर मिर्जा उस्मान बेग जैसा एक आदमी के नाम से डेवलपमेंट अग्रीमेंट बना के दे देता कि लास्ट मंथ जैसा उस्मान डॉक्टर उस्मान के नाम से जो लैंड अग्रीमेंट होता तुरंत उसने उनके जो फेवर में आप पुलिस ऑफिसर थे जो पुलिस ऑफिसर कौन है वो इंक्वायरी में मालूम होता। हमने 16 अब जो 26 तक अगर पुलिस ऑफिसियली कुछ भी नहीं करता तो कौन ऑफिसर उनके साथ है वो हम डिक्लेयर करेंगे। अब हम डीसी के पास हम ये सब लोगों को लेकर मैं डीसी के पास जा रहा हूँ सब कल परसों, और डीसीपी एंड कमिश्नर साहब एंड एसीपी एंड इंस्पेक्टर अशोक नगर सबसे बात करवा के उन लोगों को जो लैंड ग्रैबर है जो समाज घातुक शक्ति लोग है जो गरीबों को जो धोखा दे रहे इन लोगों के ऊपर लैंड ग्रैबिंग एक्ट में केस कर अरेस्ट करना बोल के हम लोग जो लड़ रहे हैं अभी। वही उस डॉक्टर उस्मान वो जो उनके नाम से अग्रीमेंट लैंड डेवलपमेंट अग्रीमेंट जो अग्रीमेंट करने के बाद तुरंत दो पुलिस वैन कोर्ट ऑर्डर करने के बाद भी पुलिस वैन जगह पर नहीं जाता, अब तक गुलबर्ग हिस्ट्री में कहीं भी नहीं है दो वैन विदाउट पुलिस विदाउट कोर्ट ऑर्डर। ये उस डॉक्टर उस्मान बेग एंड अदनान रहीमुद्दीन ये दोनों लोगों को बात सुनकर यहाँ गुलबर्गा की पुलिस दो वैन लेकर वहाँ जो गरीब लोगों ने जो फोटो दिया गरीब जो घर बांधे थे उधर घर सब तोड़ डालते उधर घर तोड़ डालते और पूरा वहाँ ये जो घर है ये घर कितने साल तक उनके कमाई करके रखे थे ये घर तोड़ डाले ये दो साल तक ये घर बनाने के लिए दो साल लगे ये घर तोड़े और यहाँ पुलिस वैन आके खड़ा रहता पुलिस लोग भी आकर वहीं अभी भी पुलिस वैन वहीं है इधर ये पुलिस वहीं है। तुमको कौन ऑर्डर किया पुलिस को कौन ऑर्डर दिया हमारे पुलिस कमिश्नर साहब को मालूम नहीं है हमारे डीसीपी साहब को मालूम नहीं पुलिस वैन कैसे गया हमारे एसीपी ए डिवीजन एसीपी को मालूम नहीं है कि पुलिस वैन कौन भेजा क्या भाड़ा में मिल रहा पुलिस वैन हाँ गुलबर्गा में कोई रेंट से मिल रहा पुलिस यहाँ गुलबर्गा में ये एनकर होना बोल के ये जो गरीबों का घर तोड़ रहे वो हराम कर जो घर लिख कर दिया अग्रीमेंट करके दिया कहाँ भागे उनको पकड़ कर लाना था पुलिस का जाओ जुम्मेदार है ना उधर तुम जो गरीब इन लोगों के ऊपर फॉल्स एफआईआर कर दे 420 केस कर दे और फोर्जर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके हमारे जगह हड़पिए बोलते वो लोग बोल देता समाज घातुक शक्ति लोग तो तुम क्या कर रहे पुलिस वेरीफाई करना तुम लोग वेरीफाई नहीं करते जो पैसा जो लैंड ग्रैब पैसा देते हैं तुम लोग मरने के टाइम जो लैंड ग्रैबर के साथ करके गरीबों को धोखा दे रहे ना मरने के टाइम साले तुम ऐसा मरते पूछने वाले भी कोई नहीं रहा तुम पानी मुंह में पानी डालने वालों कोई नहीं रहा तो तुम पुलिस वाले तुम ये सोचो कुछ लोग है सबको ऐसा नहीं बोल रहे ईमानदार ऑफिसर इंस्पेक्टर अशोक नगर
उसने केस भी नहीं किया, उसने जगह पे नहीं दिया, उसका ऊपर प्रेशर डाले उनको, उसको उसको ट्रांसफर करने का धमकी दिया। इन लोगों को पर केस नहीं करते तुमको वहां से हम निकाल देंगे, बोल धमकी देता। वो शक्ति कौन है? वो हरामखोर पॉलिटिशियन कौन है? वो MLC कौन है? गरीबों के लिए जो ये खतरनाक बनकर आ रहे, वो MLC कौन है? उसको नंगा भी करवाना है तो पुलिस ये 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 जगह के बारे में जो लैंड ग्रैबर सरकार ने कर्नाटक भू कबल के अधिनियम, कर्नाटक भू कबल के नियम 2007 में अभी एक एक्ट पास किया, उसी टाइम पुलिस कर्नाटक सरकार ने बोले थे कि अभी लैंड ग्रैबिंग में कोई भी आता है तो उनको ऊपर गुंडा एक्ट में केस करके अंदर डालेंगे बोले थे। ये ओपनली गुंडागिरी कर रहे हैं। RG नगर में जितना भी 420 केस हो गया, फोर्जरी केस हो गया, वो वेरीफाई करो। गरीबों के ऊपर ही केस हो गया, जो जमीन जो खो दिया उन्हीं लोग गरीबों के ऊपर केस करवा के उनको जेल डाल के हो गया, जेल से आने तक उनको घर तोड़ के तुम लोग सत्यानाश करके अन्याय किया गरीबों के लिए। वो अन्याय के खिलाफ हमने दलित सेना की पूरा टीम जो 16x4 में जो 171 जो प्लाट खरीदे लोग गरीब लोग उनके साथ दलित सेना पूरा टीम रहेगा। कुछ भी हो रहे तो कुछ भी होना तो उनके साथ रहेंगे। हमने पुलिस कमिश्नर DCP साहब से हमने जाकर मेमोरेंडम दिए और कोर्ट ऑर्डर भी दिए, कोर्ट में भी पूरा क्लियर बोल दिया कि ये लोग जो है लैंड ग्रैबर्स क्लीन हैंड से कोर्ट को नहीं आया, ये लोग खोटा है उनके मन में, ये खोटे मन से कोर्ट का आया, ये जो इन जो गरीबों के खिलाफ स्टे के लिए आया, हम स्टे नहीं दे सकते क्योंकि तुम गद्दार हो, कोर्ट को क्लीन हैंड से नहीं आए तुम लोगों ने, तो प्लेंटी दो हमने इस ईयर पर रिजेक्ट, हमें रिजेक्ट करता तुम लोगों के जो के ये है ना तुम्हारी रिजेक्ट करता हूँ, कोर्ट में भी रिजेक्ट किया, कोर्ट को मालूम हो गया तुम्हारा हकीकत क्या है बोल के, लैंड ग्रैब उसके क्या चल रहा है कोर्ट को मालूम हो गया। इसीलिए 26th ऑफ दिस मंथ, ये 26th दिसंबर हमने पुलिस डिप्टी कमिश्नर पुलिस एंड कमिश्नर पुलिस के कचहरी को हम घेराव डाल रहे, हमने कंप्लेंट दिया, अशोक नगर कंप्लेंट दिया, ACP ए डिवीजन कंप्लेंट दिया, DCP साहब को कंप्लेंट दिया हमने, और कमिश्नर साहब से पूरा कन्विंस करके कोर्ट ऑर्डर क्या है बोल के उनको जो कन्विंस करके हमने रिक्वेस्ट किया कमिश्नर DCP साहब को, जो गरीबों को अन्याय नहीं होना चाहूँ आप उनको न्याय दिलाना है, जो लैंड ग्रैबिंग फोर्जरी के नाम से जो गरीबों को वहाँ तोड़ फोड़ करवा के पुलिस वैन रुका के गरीबों को डरा के वहाँ से भगाया उन लोगों के ऊपर एक्शन लो बोल के हमने बोलकर मेमोरेंडम दे कर आया। इतना बहुत सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, विद डॉक्यूमेंट के साथ ये 171 जो गरीब लोग हैं उनके लिए हम कोर्ट में लड़ने के लिए हम तैयार है, और इनको जो लैंड ग्रैबिंग के नाम से जो गुंडागर्दी करे जो अमीर लोग उनको जेल डालने के लिए जो है हम फाइट करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय टीपू सुल्तान।